नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के 40 प्रश्न करने वाले हैं जो कि रिसेंट SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी। हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोच, थ्योरम्स वगैरह को सीखते हुए करेंगे। आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा स्टेप्स जंप कर रहा हूँ या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं एश्योर करता हूँ पहले तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। इन केस आती है तो भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपको ज्योमेट्री बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भी आपको घबराना नहीं है। ये जो सारे प्रश्न करने वाले हैं, ये सारे प्रश्न और कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आने ही आने वाले हैं। साथ में आपको पूरा और पूरा मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री हो चाहे मेंसुरेशन हो, इवन मैं ज्योमेट्री के लिए कहूँगा सबसे पहले स्टार बैच की एक अपनी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन यानी एडवांस मैथ्स की 70 लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रखा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्योमेट्री से मैंने स्टार्ट करा था और उसमें आपको कंपाइल्ड वीडियो भी मिल जाएगी, जैसे सर्कल की, ट्राइंगल की, लाइन एंड एंगल की, पॉलीगॉन की, ऐसे अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, ऐसे 2D मेंसुरेशन, तो वो जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स कैसे आती है, थ्योरम सारी चीज़ें, अगर आपको CDS भी देना है तो भी, CGL देना है तो भी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रिसेंट एग्जाम्स के CGL में FCAT CDS के अच्छे प्रश्न भी हैं, CGL प्री CPO सबके अच्छे प्रश्न मैंने उसमें कंपाइल कर रखे हैं, वो भी करवाए हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए, तो वो भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो प्लीज़ डू वॉच इट और चलो स्टार्ट करते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो मेरे साथ पढ़ने का आपका कुछ नियम होता है तभी आपको फ़ायदा करेगा ये डोज। पहली चीज़, पेन कॉपी के बगैर मेरे कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो ना देखें। अगर आपको लगता है टाइम पास करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपका नहीं होना। आपको जो टीचर ऐसे जादुई या कुछ भी पढ़ाते हों या जो भी सिखाते हों, जो गाइड मेंटर हों, जो मोटिवेट करते हों, उनके साथ रहें। यहाँ पे आपको रियलिटी बताई जाएगी, ऑनेस्ट टॉक किया जाएगा और अगर वो चीज़ें हजम नहीं होती हैं आपसे तो प्लीज़ चैनल और वीडियो दोनों से दूर रहें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका मतलब सिलेक्शन कहीं और पढ़ के हो जाएगा, मुझे अल्टीमेट गोल मेरा भी और आपका दोनों का सिलेक्शन लेना है। तो बिना बकवास किए यहाँ पे पढ़ाई होगी। अगर आपको मनोरंजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं। पहले प्रश्न में कहा गया, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BCA इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ BDA। देखो BCA बराबर 50 अंश दिया गया, बस आपको ध्यान रखना है BCA कौन सा एंगल है, ये आपका B है, ठीक है। BCA आपका 50 डिग्री यानी ये वाला कोण 50 डिग्री दिया गया है, आपको BDA एंगल की वैल्यू बतानी है, ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। बस आपको एक थ्योरम यहाँ पे याद रखनी है, ये बहुत बेसिक सी थ्योरम है कि कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना पागल, ये कोई सर्कल है, सर्कल में किसी एक जीवा, जीवा क्या होती है जो इसके किसी दो बिंदुओं को मिलाए, यानी कि किसी भी वृत्त के परिधि पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसकी जीवा होती है। यानी द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड जीवा, यानी कि कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड जो होती है वो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली रेखा होती है और इस जीवा द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अगर कोण बनाया जाए, कोण कैसे बनेगा, दोनों इसके सिरे से किसी एक बिंदु को मिला दिया जाए तो जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ पे बना या मैं कहूँ यहाँ पे बना, कहीं पे भी ये जीवा अगर कोण बनाएगी तो वो सारे कोण बराबर होंगे। सिमिलरली आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है कि यहाँ पे जो कोण सी है वो किसके द्वारा बना है, जीवा ए बी द्वारा, तो जीवा ए बी द्वारा बना कोण अगर यहाँ पे सी है यानी 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी सेम जीवा द्वारा ही बन रहा है कोण, यानी सेम जीवा के किनारों को मिलाने पे यहाँ पे कोण बन रहा है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। यानी इफ एंगल बी सी ए इज गिवन 50 डिग्री, यानी इफ एंगल बी सी ए होल्ड्स वैल्यू ऑफ 50 डिग्री देन दिस एंगल यानी कि एंगल बी डी ए यानी कि दिस एंगल नेम्ड बी डी ए विल ऑल्सो होल्ड वैल्यू ऑफ 50 डिग्री ओनली। क्यों? क्योंकि द एंगल सबटेंडेड बाई एनी कॉर्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, यानी कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी वृत्त की किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे किसी भी बिंदु पे बनाए गए कोण की वैल्यू बराबर होती है। कॉन्सेप्ट ये लगा, दैट्स इट। तो ये 50 तो देखते ही एग्जाम में 50 मार्क कर देना, दैट्स इट। ये मिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि केवल सर्कल आएगा, ऐसा नहीं केवल ट्राइंगल आएगा,
कहा गया गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉन्ग्रुएंसी, एक होती है सिमिलरिटी। लाइक आपका और आपके पेरेंट्स, आपका और आपके पेरेंट्स में कुछ सिमिलरिटीज होंगी, कुछ गुड सेम होंगे, तो सिमिलरिटी वही होती है कि कुछ गुड सेम होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होती है कि योर वन हैंड इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर हैंड, यानी अगर हम एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखें तो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं। इफ वी से कि एक सर्कल है उसका डायमीटर खींच दिया गया तो दोनों साइड जो होगी यानी इस साइड का भाग और इस साइड का भाग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांग सम सारे अंग बराबर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सारे अंग बराबर। लाइक इफ वी से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस कि देयर साइड्स विल बी इक्वल, एंगल्स बिटवीन एनी टू इक्वल साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल, यानी वो बेसिकली एक ही ट्राइंगल है दो जगह पर बना हुआ, इतनी सी बात होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। तो एक चीज याद रखना कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब सब कुछ समान और सिमिलरिटी मतलब कुछ चीजें समान। तो अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होगा, यानी जब दो चीजें एकदम सेम है। अब मैं कहूं कि रोहित और रोहित त्रिपाठी में कुछ डिफरेंस है, जो रोहित आपको ये बकबक कर रहा है और जो रोहित त्रिपाठी जिसका कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन चैनल जिसने बनाया, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं, सेम पर्सन है। उसने किसी और वीडियो में वो दूसरे तरीके से बोल रहा था बट बात एक ही थी कि सिलेक्शन ले लो। इस वीडियो में भी वो पढ़ा रहा है मतलब सिलेक्शन ले लो, यानी बात वो हमेशा एक ही करेगा, यानी रोहित इज कॉन्ग्रुएंट टू रोहित त्रिपाठी। बट इफ वी टॉक अबाउट मी एंड यू मे बी वी कैन बी सिमिलर इन सम फ्रेजेस सम प्रॉपर्टीज, मतलब हम कोई कुछ प्रॉपर्टी सेम होल्ड कर सकते हैं बट वी कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपके इवन ट्विंस भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि मे बी वो फेयर हो आप डस्की हो, वो चबी हो आप थिन हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे होता है इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट, यानी अगर ट्राइंगल ए बी सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स कि अगर ये ट्राइंगल बनाया जाए ए बी सी तो सिमिलर ट्राइंगल मतलब सेम ट्राइंगल बनेगा इधर, यानी कि ए बी सी अगर मैं बनाऊँ दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड इफ बी से कि ये दिस इज डी दिस इज ई एंड दिस इज एफ, तो इफ इट इज गिवन दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ऐसे होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी होती है, सिमिलरिटी का सिंबल ये होता है, यानी इफ इट इज गिवन कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ इट मीन्स दिस साइड विल बी दिस इक्वल टू दिस वन, बी सी बराबर होगी ई एफ के, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस साइड देन दिस विल बी इक्वल टू दिस साइड, दैट्स इट। और जिस ऑर्डर में दिया रहेगा उसी ऑर्डर में ए बी सी डी एफ, ऐसा नहीं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी यहाँ बना दो, नहीं ए बी सी जैसे यहाँ से कैसे आए हम एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी डी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ए सी बराबर आपको दे दिया गया 11, अगर ए सी 11 है तो हमने कहा डी एफ भी 11 होगा, सिमिलरली ई एफ बराबर 15, ई एफ अगर 15 है तो ऐसे बी सी भी 15 होगा, राइट। एफ डी ई बराबर 85 डिग्री, एफ डी ई कौन सा कोण है, एफ डी ई यानी ये कोण 85 डिग्री, अगर ये कोण 85 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 85 डिग्री होगा, है ना। और ए बी सी बराबर 55 डिग्री, ए बी सी यानी ये 55 डिग्री है तो इधर भी ये भी 55 डिग्री होगा, कॉन्ग्रुएंसी समझाने के लिए। तो कहा गया देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ डी आर, ट्राइंगल के वो बताना है आपको, पेरीमीटर बताना। देखो परिमाप क्या क्या होंगे, क्या पूछा गया, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप और ई एफ डी कोण ई एफ डी क्या होंगे, आपको ए बी सी का परिमाप बताना है, ए बी सी के लिए परिमाप बताना है और आपको बताना है कि ई एफ डी कोण की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, ई एफ डी कोण के वैल्यू पर। देखो आपको पता है ये वाला कोण 85 डिग्री का है, ये वाला 55 डिग्री का है और द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट विल बी सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान तो योग तो 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि सभी एक्सटर्नल एंगल्स का तो कितना हो जाएगा 1080 माइनस यानी कि 300, देखो आज आपको 360 यहाँ बनता है, 360 यहाँ बनता है, 360 यहाँ, अगर मैं सारों को जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा 1080, आपको पता है 180 अंदर है तो बाहर कितना होगा यानी कि 900, यही आपको अलग मिलता है यहाँ पे कि अगर हम कहें कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स तो 900, इंटरनल एंगल्स 180, यानी अगर बाह्य कोणों का योग सभी बाह्य कोणों का योग तो आपका बाह्य कोण, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ बाह्य कोण मैं कौन सा कह रहा हूँ, बाह्य कोण ये है, इस कोण की वैल्यू नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाह्य कोण मतलब कि अगर तीनों शीर्षों पे बाहरी यहाँ पे आपको ये अलग कॉन्सेप्ट मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग यानी इस शीर्ष पे जो कोण बन रहा है कौन सा वाला कोण, यानी इस कोण और इस कोण, एक्सटर्नल एंगल्स नहीं एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ सॉरी, यानी कि ये जो हर शीर्ष पे बनने वाले कोण की बात कर रहा हूँ इसका योग 900 डिग्री होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका इसका और ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल कैसे मिलता है, किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो दूसरी भुजा के बीच जो कोण बनेगा वो आपका हो जाए। तो अगर आप कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा, बताओ ये कितना होगा, अगर मैं कहूँ ये 55 डिग्री है
समझिएगा बात को। देखो, अगर मैं कहूँ इसके इस कोण और इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे देखो ये पूरा 180 था, ये भी पूरा 180 था और ये भी पूरा 180 था, तो अगर मैं कहूँ कि इन तीनों का योग करते तो कितना आता, 540। लेकिन 180 इसमें से अंदर है, यानी कि अगर एक्सटीरियर एंगल के सम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 540 माइनस 180 ये 360 डिग्री हो जाएगी। ये कुछ और कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, बस आप याद रखना कि कभी भी पूछ सकता है। तो ये 360 डिग्री, और जो मैं बता रहा था कि वर्टिक्स पे बनने वाले तीनों का तो वो 900 होता है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे जो सीख रहे थे वो सीखते हैं। ये 85 हो गया, ये 55 हो गया, यानी दोनों मिलके कितना हो गया 140। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री या 40 डिग्री, आपने कहा 40 डिग्री, क्योंकि तीनों मिलके 180, दो मिलके 140 हो गए, तो तीसरा चल। आपको क्या पूछा गया था, कोण EFD, कोण EFD आपका कितना आ गया भैया, कोण EFD कितना आ गया, ई ये है, एफ ये है, डी ए, यानी ये कितना आ गया 40 डिग्री। 40 कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है। ABC का परिमाप भी पूछा गया था, कैसे निकालोगे परिमाप, कैसे निकलेगा, मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ आपको। ABC का परिमाप देखो, अगर कहा गया कि यहाँ पे ABC में बना ले रहा हूँ, ठीक है, AC बराबर 11 दिया गया, AC बराबर 11 हो गया। अगर ED बराबर 6 है, तो यहाँ पे देखो ED कहाँ पे आता है, पहला दूसरा, तो यहाँ से AB बराबर कितना हो जाएगा, ED के बराबर, यानी कि अगर ED बराबर आपको दे दिया गया 6, तो यहाँ से हमारा AB बराबर भी 6 हो जाएगा। सिमिलरली EF बराबर 15, EF मतलब लास्ट के दोनों, EF बराबर 15 तो लास्ट के दोनों, BC बराबर भी 15 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 6 15 और 11 का सम, यानी कि 32। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, अच्छे प्रश्न है, इनको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझते हुए करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कहा गया, कहा गया कि ट्राइंगल TAP में TAP कोण की वैल्यू 60 डिग्री, हम बनाते हैं कोण TAP, मान लो ये T है, A है और ये P है, ठीक है। कहा गया AP बराबर 8 सेंटीमीटर, या 8 सेंटीमीटर, KAP का मध्य बिंदु है, KAP का मध्य बिंदु है, ये K है, ये AP का मध्य बिंदु है। K से एक रेखा TP से O पर इस प्रकार मिलने के लिए बढ़ाई जाती है, K से एक रेखा TP, देखो क्या कहा गया, K से एक रेखा TP से O पर, देखो TP से O पे मिल रही है, इस प्रकार मिलने के लिए बढ़ाई जाती है कि कोण AKO की वैल्यू 120 डिग्री है। AKO कहाँ पे है, कोण AKO, यानी ये वाले कोण की वैल्यू 120 डिग्री है। बोलो क्लियर है। तो आपसे कहा गया OK की लंबाई बताओ, देखो आपको किस कोण की वैल्यू दी गई है, आपको कोण TAP की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। बोलो क्लियर है, यानी TAP ये वाला कोण दिया गया 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिएगा, आपको ये वाला कोण कितना दिया गया, 120 डिग्री, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा, मैंने कहा कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा पूरा 180, इतना 120, तो ये 60 हो गया। अब अगर हम ट्राइंगल PB या ऐसे देखो, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो दो रेखाएं हैं BD, वैसे BO, यानी ये BO है और ये TA है, इसको कोई एक रेखा काट रही है, ये दो रेखाएं हैं, इसको कोई एक तिर्यक रेखा या कोई रेखा काट रही है, और इसके एक ही साइड के एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, यानी अल्टरनेट एंगल्स जो हैं, यानी कि एकांतर कोण जो हैं वो बराबर हैं। अगर किन्हीं दो रेखाओं को एक रेखा काटती है और रेखा के एक ही साइड के एंगल बराबर हो जाते हैं, तो वो रेखा कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि दो रेखाओं को कोई एक रेखा काट रही है और उसके एक ही साइड के कोण बराबर हैं, एक ही साइड की है, देखो 60 डिग्री, ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री, अगर ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों साइड, तो ये रेखाएँ पैरेलल हो जाएंगी। और अगर पैरेलल हो गई, तो आपने कहा कि ट्राइंगल PBO और ट्राइंगल PAT में ये हो जाएंगे सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगर दो त्रिभुजों के आधार पैरेलल हो जाएं, यानी एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज खींचा गया और ये क्या, इनके दोनों के आधार पैरेलल हो जाए, यानी अगर मैं कहूँ कि अगर ABC कोई ट्राइंगल था, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और इसमें DBC के पैरेलल खींच दी गई है, ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा, यानी मैं कहूँ ABC कोई ट्राइंगल था, इसमें DE कोई रेखा BC के पैरेलल खींच दी गई, तो ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ऐसे ही ये और ये पैरेलल हो गई, तो हम कह सकते हैं ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये बड़ा वाला और ये सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो आपसे कहा क्या गया, OK की लंबाई निकालने को कही गई है। अगर TA बराबर 6 है, आपको पता है K इसका मध्य बिंदु था, तो हम कह सकते हैं अगर ये पूरा AP 2 हो, तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा। अब ये सिमिलर हैं, तो अगर ये ट्राइंगल PBO सिमिलर हो गया PAT के, तो हम कह सकते हैं कि PB बटे PA बराबर OB बटे TA। बोलो कह सकते हैं, नहीं कह सकते, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो PB
बटे में, यानी एक बटे दो बराबर ओबी, ओबी हमें निकालना है, बटे टीए की वैल्यू कितनी दी गई मेरे भाई, टीए की वैल्यू दी गई है आपको 6, तो यहाँ से ओबी बराबर कितना हो जाएगा 3, ओबी बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से, हमें पैरेलल पता चला था, हमें पता है इसका दो गुना पूरी भुजा है, तो इसका आधार का भी दो गुना पूरी भुजा होगी, तो अगर आधार कुछ भी होता उसका दो गुना 6 है तो आधार कितना हो जाता 3 सेंटीमीटर। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा था। तो अब सर्कल पे फिर से आ गए हैं, कहा कि एक टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, पी पे कोई टेंजेंट है किसी किसी त्रिज्या में, कहने जा रहा था किसी वृत्त के लिए कोई पी क्यू रेखा है जो पी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका, और पी क्यू टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा। कहा गया अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर एट ओ एट क्यू। देखो, एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, इसकी स्पर्श रेखा पी क्यू है, ठीक है, जो पी पे मिलती है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये कहा गया ओ से अगर हम इसको ड्रा करें, सॉरी अगर मैं कहूँ ये ओ से ड्रा करें तो एक क्यू पर मिलती है, ठीक है, कि ओ क्यू बराबर आपको दिया गया 13 सेंटीमीटर। ये कि इसकी कोई स्पर्श रेखा थी पी क्यू, पी पे टच करती है, ओ पी त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर की, ओ से क्यू की लंबाई 13 है, तो आपसे कहा गया स्पर्श रेखा की लंबाई। आपको सिंपल सी बात है कि पता होगी कि अगर कोई केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, यानी कि अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से उसके स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो जो त्रिज्या मिलेगी वो उस स्पर्श रेखा पे लंबवत होगी। यानी कि हमेशा याद रखना कि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है। यानी इफ बी ज्वाइन सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट देन द रेडियस सो फॉर्म विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। यानी कि अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो वो जो त्रिज्या प्राप्त होगी वो उस स्पर्श रेखा पे लंबवत होगी। तो अगर ये 13 है, ये 5 है, तो एक क्यूपी की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस लगा देंगे। सिंपल सा प्रश्न है, ये सारे रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, बट मैं कॉन्सेप्ट इतना बारीकी से बताना चाह रहा हूँ कि आपका कोई माइन्यूट कॉन्सेप्ट ना मिस हो जाए। कहा कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात, अब हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर कोणों का अनुपात दिया गया है तो आप तीनों को जोड़ो, यानी एक कोण 3 का, एक कोण 4 रेशियो, एक कोण 5 रेशियो, दोनों तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12 रेशियो। 12 रेशियो बराबर, अब योग आपको पता है कितना है 180, 12 रेशियो बराबर अगर 180 तो 1 रेशियो बराबर 15, सबसे बड़ा वाला कोण पूछा गया था, यानी 5 रेशियो कितना हो जाएगा 75। कहा गया कि ए बी एक वृत्त की जीवा इस प्रकार से है कि उसकी रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है और सी कोई बिंदु है इस प्रकार से कि कोण ए बी सी जो बनता है पाई बाई 2 डिग्री का बनता है। देखो, ए बी कोई जीवा है, हमने कहा ठीक है ए बी कोई जीवा है, मान लेते हैं ए बी कोई जीवा है, ए बी कोई जीवा है, ठीक है। आपसे कहा गया कि सी वृत्त पे कोई बिंदु इस प्रकार से स्थित है, यहाँ पे ए बी सी नहीं, कोण ए सी बी कर लेना, ए सी बी बराबर पाई बाई 2 है, यहाँ पे कोण ए सी बी की वैल्यू पाई बाई 2 दी गई। आपसे क्या कहा गया कि कोई वृत्त की जीवा है ए बी और सी वृत्त पे कोई बिंदु इस प्रकार से कि कोण ए सी बी जो मिलता है वो पाई बाई 2 है, ए सी बी पाई बाई 2, ए सी बी पाई बाई 2 का मतलब कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो आपसे कहा गया जीवा ए बी की लंबाई बताओ, समझिएगा बात को। देखो, आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या फिर द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन हाफ ऑफ द सर्कल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है, या फिर हम ऐसे कहें द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। हमसे कहा गया कि एक कोई वृत्त है जिसमें ए बी कोई जीवा है जो वृत्त के किसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमसे कहा गया कि ए बी जीवा है और वृत्त के किसी भी बिंदु पे क्या बनाती है 90 डिग्री। तो अगर वृत्त की कोई जीवा, ध्यान रखना, अगर वृत्त के अंदर कोई जीवा किसी बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाती है, यानी इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल फॉर्म्स ए सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस पे वो पॉइंट होना चाहिए, तो जो वो कॉर्ड होगी वो डायमीटर होगी। या फिर हम ऐसे कहें कि किसी वृत्त की जीवा अगर परिधि पे किसी बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाती है तो वो जो चाप होगा, ये जो आर्क होगा, वो सेमी सर्कल होगा। अब अगर ये सेमी सर्कल हो गया, यानी कि ये दो बराबर भागों में बढ़ता है और दो बराबर भागों में कौन बढ़ता है मेरे भाई, व्यास। अब सिंपल सी बात हो गई, ये व्यास हो गया, व्यास मतलब यानी ए बी क्या हो गया डायमीटर। अब अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुनी, क्योंकि व्यास जो होता है वो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वृत्त की जीवा अगर कहीं पे 90 अंश का कोण बनाती है तो वो जो चाप होता है वो अर्धवृत्त होता है, या फिर उल्टा अगर हम कहें कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, हमें समकोण मिल गया यानी कि वो जो वृत्त मिल रहा है वो अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त कौन कैसे मिलेगा यानी सेमी सर्कल कैसे मिलेगा, जब डायमीटर उसको कट करेगा सर्कल। अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, देखो वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, हमेशा याद रखना वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वो उसका डायमीटर होती है। क्यों होती है, स्टार बेच में मैंने बहुत डिटेल में कराया, तो हम हमेशा याद रखना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो उसका डायमीटर होती है। और अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर डी ये बराबर होता है 2 times ऑफ रेडियस, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर, डायमीटर हमेशा रेडियस की दोगुनी हो जाएगी। तो आपने कहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो 2 times द रेडियस होती है। एक चीज आपने अगर स्टार बेस ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनसेंटर बोलते हैं, पढ़ा है ना। किसी भी त्रिभुज के अंतः विभाजक जो है, अंतः कोण समद्विभाजक जो है, वो जहां पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनसेंटर यानी अंतः केंद्र बोलते हैं। बोलो क्लियर। तो बी और सी के समद्विभाजक BI और CI I पर मिलते हैं, A बराबर 38 डिग्री हो तो BIC की वैल्यू क्या होगी, BIC की वैल्यू क्या। देखो अगर I हमें पता चल गया कि ये इनसेंटर है, या कह दिया जाए कि एंगल का बाइसेक्टर्स को मिलाने वाला पॉइंट है, यानी हमसे कहा गया कि जो BIC कोण मिलता है वो कैसे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर्स यानी कोण समद्विभाजकों का मिलन बिंदु है, तो BIC जो होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये जानो I इनसेंटर होगा। I इनसेंटर मतलब अंतःवृत्त, अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र पे बना कोण अगर BIC है तो BIC बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस, माइनस या प्लस, आप कहेंगे प्लस एंगल A बाय 2, यानी कि 90 डिग्री। अगर B और C के समद्विभाजक I पे मिलते हैं तो ये कोण कितना होगा, 90 प्लस अपोजिट एंगल बटे 2, यानी कि 90 प्लस जो बचा हुआ एंगल A, 90 प्लस जो बचा हुआ एंगल 38 का आधा, यानी 90 प्लस 19 कितना हो गया, 109। बोलो क्लियर है। ये क्यों होता है ये जान लो। देखो हम ये क्यों, ये आपको पता है ये क्यों होता है ये समझते हैं। देखो ये हो गया B/2, ये हो गया C/2, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको अगर निकालने जाए तो ये हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग, माइनस B/2 प्लस C/2, तो हर बराबर कर लेंगे यानी B+C/2। आपको पता है A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 180 माइनस, अगर A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री तो B प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस A। बोलो हो जाएगा नहीं, बटे में। तो अगर मैं यहाँ से 180 माइनस यहाँ पे अंश में दो पद हर को लेके अलग हो जाए तो 180 बटे 2 यानी 90, और यहाँ पे माइनस A बाई 2। अब अगर ब्रेकेट को खोल दें तो 180 माइनस 90 90 और माइनस माइनस का गुणा प्लस A बाई 2, यही तो मिला कोण BIC की, तो यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, याद रखना। ऐसे प्रश्न मुझे करवाने ना पड़े। ए और बी का डिग्री डिफरेंस 60 डिग्री, बी और सी का डिफरेंस 15 डिग्री। अगर आपसे कहा गया ऐसा कुछ दिया गया है, यानी कि सबसे छोटा कोण 15 डिग्री कम है बीच वाले, मतलब सॉरी अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए बी और सी, तो ऐसे छोड़ो ना यार, हमें पता है किसी भी त्रिभुज के लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, तो अगर तीन एंगल हो ए बी सी तो सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको दिया गया कि C बराबर है, यहाँ से C बराबर है या ऐसे कहें C बराबर C है, ठीक है। B बराबर C प्लस 15, यानी कोण C प्लस 15 इसकी जगह पे लिख लिया प्लस कोण। आपको पता है कि A बराबर 60 प्लस B, यानी कि 60 प्लस B की वैल्यू अभी हमने निकाली कोण C प्लस 15, इन तीनों का योग बराबर 180 डिग्री, 1 2 3 यानी 3 कोण C प्लस 60 15 75 15 60 15 75 15 90, यानी 3 कोण सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 90 इधर से इधर जाएगा, यानी 3 एंगल सी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री आ गया, तो ए की वैल्यू पूछी गई थी तो ए बराबर कितना हो जाएगा 75 प्लस कोण सी, यानी 75 प्लस 30 105 डिग्री। क्लियर हो गया। अब ऐसे प्रश्न करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। कहा गया एक बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, ये पी है, यहाँ से मान लो टी पे स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, पी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे केंद्र है, यानी ओ केंद्र जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपको पता है कि यहाँ से अगर हम रेडियस ड्रा करेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर होगी, अभी हमें मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 17 है ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में पाइथागोरस लगा दो, 20 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 400 माइनस 289 कितना हो जाएगा, 111 आपका आंसर आ जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि अगर आपको मंजिल बड़ी बनानी है तो नींव मजबूत रखनी पड़ेगी। त्रिभुज ABC में AB पे बिंदु D और AC पे बिंदु E है। देखो त्रिभुज ABC लिया गया, उस पर AB पे कोई बिंदु D दे दिया गया और AC पे कोई बिंदु E दे दिया गया। ध्यान से देखना, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रश्नों को मैं इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। DE BC के समांतर है, इन प्रश्नों से ज़्यादा जो मैं कॉन्सेप्ट हिडन कॉन्सेप्ट बीच बीच में बताता रहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो DE पैरेलल टू BC, अब अभी हमने पढ़ा था क्यों उस प्रश्न में मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था, पता चला कि इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन, इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू
बेस ऑफ द ट्राइंगल देन द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड, यानी कि इस प्रकार से बना ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ओरिजिनल वन, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा, बस इतना सा बात। कहा गया AD और DB का अनुपात 2:5 है, यानी ये 2 है तो ये 5 है, छोटू वाला ये वाला 5 है, ठीक है। AC की लंबाई दे दी गई 4.2, तो AE की लंबाई पूछी। अब आपको पता है दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, यानी अगर छोटू वाले ट्राइंगल की AD लेता हूं भुजा, तो बड़े वाले के लिए ये वाली पूरी लेनी पड़ेगी, यानी कि AB। सिमिलरली हमें अगर AE को AE लेते हैं तो पूरे को AC लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दाएं साइड वाली भुजा अगर ली तो इसकी भी दाएं साइड वाली भुजा, यानी इतना लेना पड़ेगा। AD बटे D, आपको पता है AD 2 है और DB 5 है, यानी पूरा मिलकर 7, यानी 2/7 बराबर। AE कितना है हमें नहीं पता, AC की वैल्यू दी गई 4.2, 7 से कटेगा कितना हो जाएगा 0.6, यानी यहाँ से x बराबर 2×0.6, यानी x बराबर 1.2। हमने निकालना क्या था, AE की लंबाई, हमने निकाला क्या, AE की लंबाई कितना आया 1.2 सेंटीमीटर। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं समझिएगा, कोई ट्राइंगल है, पहले समझो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, वो सारी चीज़ें आप समझते रहोगे, पहले एक एक जो जो आता रहे वो समझते। ऑर्थो सेंटर मतलब होता है, मान लो कोई ट्राइंगल ABC दे दिया गया, बोलो क्लियर है, दिया गया कि नहीं दिया गया, आपने कहा दिया गया, मान लेते हैं। इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर, और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे, यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर है मान लो DEF पे मिलते हैं, तो जो परपेंडिकुलर्स ड्रा किए गए हैं वो जिस बिंदु पे मिलेंगे उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी व्हाट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इफ वी ड्रॉ ऑल द परपेंडिकुलर्स, नहीं सॉरी, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, देन द मीटिंग पॉइंट या इंटरसेप्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 परपेंडिकुलर्स विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। यानी अगर हम किसी त्रिभुज के लिए विपरीत शीर्ष से उसकी भुजा पे लंब ड्रॉ करें तो जो लंबों का मिलान बिंदु होगा उसको ऑर्थो सेंटर कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया ना मेरे भाई, अब बात को समझते हैं। कहा गया कि ओ जो है ABC का लंब केंद्र, हमने कह दिया ठीक है। BOC जो कोण है वो 140 डिग्री का, BOC कितना है 140 डिग्री, तो आपको BAC की वैल्यू बतानी। देखिएगा आपको समझना है BOC बराबर कितना दे दिया गया 140 डिग्री, अब BAC की वैल्यू बतानी, यानी इस वाले कोण की वैल्यू बतानी। सॉरी देखो ऑर्थो सेंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ। हमने कहा पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, इसका फॉर्मूला निकलवा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं पहले एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है, एक बड़ा सा, सीखिएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि टीचर्स तो जादू बता देते हैं, अपन इधर जादू नहीं असलियत सीखेंगे, ठीक है। ये है आपका ABC, ठीक है, था कि नहीं है। हमने कहा यहाँ से पहले परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया है ना, ऐसे इधर भी परपेंडिकुलर ड्रा हुआ होगा, बोलो क्लियर है। परपेंडिकुलर को ऐसे बनाते रहते हैं, ठीक है, और ये अपना परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये O दिया गया। अब देखो अगर मैं ट्राइंगल इसमें मान लो ये X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अगर ये वाला कोण 90 अंश हो गया, ये वाला कोण C है, तो ये कितना हो जाएगा 90-C, क्योंकि अगर एक अकेला 90 हो गया तो बाकी दोनों मिलके 90 होंगे, तो अगर ये C हो गया तो ये 90-C होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ये अकेला 90 हो गया, ये वाला पूरा B है, तो ये कितना हो जाएगा 90-B। अरे इस वाले ट्राइंगल में बात हो रही है मेरे भाई, अगर ये 90 हो गया, ये अकेला पूरा B है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90-B हो जाएगा। अब 90-B, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल BOC में आऊँ, और कोण BOC की बात करूँ, तो ये कितना हो जाएगा, BOC कोई जो कोण होगा वो 180 में से बाकी दोनों कोणों का योग घटाने पर प्राप्त होगा। बाकी दोनों कोणों का योग यानी 90-C 90-B को जोड़ के घटा दो इसमें से। अरे देखो 180 में से बाकी दोनों कोणों का योग ही तो घटाएंगे, यानी कि 90-C + 90-B, बोलो क्लियर है। यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 90-90 180 -B - C, बोलो क्लियर है। यहाँ से आपको पता है कि देखो हमें पता है A + B + C बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो अगर मैं B और C को इधर भेज दूँ तो 180 - B - C मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A, यानी ये लिखा हुआ है 180 - A, तो कोण BOC कितना हो गया
180 माइनस, क्यों समझाया मैंने? मैं सीधे कह सकता था, मेरा कह जाता था कि ओ अगर ऑर्थो सेंटर है, जैसे इन सेंटर के लिए अगर आई इन सेंटर तो बी आई सी बराबर 90 प्लस ए बाई टू, सिमिलरली आई कुड हैव सेड कि भैया अगर ओ ऑर्थो सेंटर है तो बी ओ सी की वैल्यू 180 माइनस अपोजिट एंगल हो जाएगा, कह सकता था, बिल्कुल कह सकता था। अब आपको बी ओ सी कितना दिया था, 140 डिग्री, यानी इसकी जगह पे बी ओ सी न लेके 140 डिग्री दिया गया, 140 बराबर 180 माइनस है, यानी 180 से जब ये वाला कोण घटाते तभी हमें बी ओ सी प्राप्त होता है, और अगर 180 से ये वाला कोण घटाने पे 40 प्राप्त हो रहा है तो ये 140 प्राप्त हो रहा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एल, यानी यहाँ से हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बोलो क्लियर है? तो आपको बस ये एक चीज़ ध्यान रखना कि बी ओ सी, अच्छा तो कोण ए पूछेंगे, अगर कोण ए पूछ रहे हैं तो जो दिया गया है बी ओ सी, यानी अगर ओ ऑर्थो सेंटर है, बी ओ सी 140 डिग्री है तो एंगल ए कितना हो जाएगा, यानी बी ए सी कितना हो जाएगा, 180 में से 140 घटा के उत्तर मार्क कर देना। क्यों? फॉर्मूला आपको पता है। देखो हमेशा याद रखना, एक होता है साइन रूल, ठीक है? साइन रूल क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं इस प्रश्न को करवाता हूँ, रहन देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मैं यहीं समझा दे रहा हूँ। देखो अगर ये ए बी सी है भुजा, ठीक है, ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है, सी के सामने की भुजा सी होती है, तो हम कहते हैं ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, ये होता है, ठीक है, और ये किसी के बराबर होता है, किसी के मतलब कुछ कोई कांस्टेंट होगा जिसके बराबर होगा, इसको स्टार वाइज में डिटेल में मिले। अब अगर आपको कोणों का अनुपात दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए साइड्स का क्या अनुपात होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बराबर एक्स साइन ए, ए की वैल्यू हो गई, बी बराबर एक्स साइन बी, बोलो हो जाएगा, और सी बराबर एक्स साइन सी हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर ए बी सी का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, कह सकता हूं, तो मैं सीधे बता सकता हूं कि भैया एक बात जान लो कि इफ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड रेशियो ऑफ देयर एंगल्स गिवन, तो आप कहेंगे कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात निकालना है और उनके एंगल्स का यानी कि कोणों का अनुपात दिया गया है तो जो एंगल्स का मतलब जो साइड्स का रेशियो होगा वो उनके एंगल्स के साइन के बराबर होगा, यानी कि इफ वी टेक साइन ऑफ ईच एंगल्स एंड टेक रेशियो ऑफ ऑल थ्री वी विल गेट रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि एक रेशियो दो रेशियो तीन के रेशियो में है तो एक दो तीन, आपको पता है कि तीन दो पाँच एक छः, छः रेशियो बराबर 180 यानी एक रेशियो बराबर 30, तो एक रेशियो बराबर 30, एक कोण 90 हो गया, एक कोण 60 हो गया और एक कोण 30 हो गया, सबका साइन ले लो रेशियो आ जाएगा, यानी सबका साइन लोगे तो कितना कितना हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, दो से गुणा कर दो रेशियो निकल आएगा, यानी कि 1:√3:2, ये आपका रेशियो आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्यों निकला? हमने कहा साइन लेके तीनों एंगल्स का रेशियो निकाल दिया, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया। दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देखो। आपको एक चीज़ पता है मेरे भाई, सॉरी माय गॉड, ठीक है, ये एस दिया गया है, ठीक है, ये दो है, ये पाँच है, ये चार है, ये दस है, ये छः है, दोनों कोण 35-35 डिग्री के। आपने देखा एक चीज़, देखो इनके कोण बराबर हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 4 5 × 5 = 5, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है और जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच का कोण बराबर, यानी कि 2:4 = 1:2 आ रहा है, 5:10 = 1:2 आ रहा है, उनके बीच का कोण बराबर, तो यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी लगी? हमने कहा एस ए एस साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा सिमिलरिटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे आधा हो रहा था, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 5 हो रहा था, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आधा, यानी कि एस की वैल्यू 3 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। कॉन्ग्रुएंसी दी गई, अब इस प्रश्न में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमने कहा गया MAN CPT दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सारे बराबर बराबर होंगे। अब आपसे क्या दिया गया, कहा कि M बराबर 75, ये 75 दिया गया तो ये वाला भी 75 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। N बराबर 65, ये 65 है तो ये वाला भी 65 होगा, बाकी एक तीसरा 40 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। A बराबर 40 डिग्री, ये 40 हो गया, ठीक है। C बराबर x/2, अब C बराबर x/2 दिया गया, C x/2 है, x/2 कितना है 75, यानी x बराबर यहाँ से 150 हो गया, ठीक है। P बराबर 6y + 16, P कितना है, ये देखो 75 था ये 65 था तो 140, यानी कि P कितना हुआ 40, यानी P जो 40 है वो दिया गया 6y + 16, यानी 6y + 16 = 40, यानी 6y = 24, तो y = 4 डिग्री, तो x माइनस 5y की वैल्यू निकालनी थी, यानी 150 - 20 आपका आंसर कितना हो जाएगा 130। देखो ये प्रश्न भी आसान है, देखो क्या कहा गया, कहा कि त्रिभुज ABC में BC भुजा को बढ़ाया जाता है। अच्छा एक बात बताऊँ,
जो लोग कहते हैं कि आपने क्यों ऐसे पढ़ाया, बढ़ा बढ़ा के क्यों पढ़ाया, ये क्यों नहीं बताया कि ये वाला ट्रिक से सीधे बता दे, अरे मेरे मालिक आप जो मेथड बता रहा हो तो वो समझाने के लिए, फॉर्मूला जो निकलवाता हूँ एग्जाम में नहीं निकालना होता, वो आप सीधे जाके अप्लाई करना है, ठीक है, ये समझाने के लिए, बेसिक्स आपको पता रहे, नहीं तो वहाँ जाके फॉर्मूला भूल जाओ तो आपसे हो ही ना। भुजा BC को सिर C से बिंदु D तक बढ़ाया जाता है, ACB जो कोण है और ACD, ACB कोण और ACD, ACB ये वाला कोण और ACD, इसका 2:3 है, यानी कि ये 2 है तो ये 3 है, दोनों मिलके 5:5 = 180, क्योंकि किसी रेखा के एक साइड में बने कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि द एंगल सबटेंडेड ऑन द एनी साइड ऑफ हर लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2:3, 5:5 = 180, यानी 1:36, यानी कि ये हो गया 108, ये कितना हो गया 72, ठीक है, ये 72 100, तो कहा गया ए बराबर अगर 75 है तो 2B की वैल्यू बताओ, ए बराबर आपको दिया गया 75, अब कोई दिक्कत नहीं थी आपको। एक चीज़ और यहाँ से कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसका बाह्य कोण ये है, तो जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अगर जो एक्सटीरियर एंगल है ये दूर वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी 108 बराबर 75 प्लस बी, यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा 108 माइनस 75 यानी 33 डिग्री, अब भी बराबर 33 डिग्री हो गया, 2B पूछा गया था, यानी 66 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 66 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, यहाँ पे आंसर गलत है, आप चेक कर लेना गलत है आंसर, ठीक है, क्योंकि बी बराबर 45 होता तो ये दोनों मिलके कितना हो जाता है 120, इसको 60 होना पड़ता है, ये 60 होता तो 120 होता, 60 और 120 का रेशियो कितना होता, 2:3 होता, नहीं, ये भी देख लो, कहा गया ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में ST कोई पैरेलल खींची गई, ST सीधे लिख दिया करो, पहले PQR लिखो फिर ST लिख दो, ठीक है, बोलो क्लियर है, PQR में ST इसके पैरेलल खींची गई, पैरेलल हो गया मतलब सिमिलर हो गया ये दोनों ट्रायंगल्स, कहा गया साथ ही STQR के समांतर है, STQR के समांतर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखो आपको पता है कि अगर PQ और PR मध्य बिंदु, एक चीज़ ध्यान रखना कि PS और ST S जो है PQ का मध्य बिंदु है और T इसका मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है तो आप एक चीज़ सिमिलरिटी से कह सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये दोनों अगर आधार पैरेलल हैं तो आप कहेंगे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल, अगर ये सिमिलर हो गए तो इसका और इसका रेशियो 1:2, इसका और इसका रेशियो 1:2, तो सिमिलरली आधार का रेशियो 1:2 हो जाएगा, यानी ST/QR बराबर कितना हो जाएगा, ST/QR बराबर 1:2, यहाँ से हमारा कह सकते हैं कि QR बराबर 2ST, तो ये रिलेशन पूछा गया था, आप बता देना कि ये इनकी मौसी है। तो यहाँ से पकड़ेंगे हम स्पीड, देखो अब प्रश्नों को स्पीड में करेंगे, अच्छे प्रश्न आते जाएंगे। अगर त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया, हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको बढ़ाते हुए बनाते हैं, ये मान लो कोई ट्रायंगल था, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, ठीक है, AB को D तक बढ़ाया गया, इसको E तक बढ़ाया गया, अब कहा गया कि CBD और BCE के समद्विभाजक, CBD का समद्विभाजक ये, इसका समद्विभाजक ये, ये समद्विभाजक मतलब इसको बाइसेक्ट करने वाला और इसको बाइसेक्ट करने वाला, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं OP, ये OP मिलते हैं, तो आपसे कहा गया अगर कोण BOC की वैल्यू, कोण BOC बराबर 76 डिग्री हो तो कोड़े की वैल्यू फाइंड करो। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, सिमिलरली जैसे इंटरनल बाइसेक्टर जब मिलते थे इन सेंटर फाइंड होता था उसको हम कहते थे 90+, कितना कहते हैं 90+ A/2, यहाँ पे क्या होता है आप हमेशा याद रखना कि अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलते हैं तो कोण BOC की वैल्यू जो होती है, कोण BOC अगर O इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स तो BOC बराबर हो जाता है 90 - कोण A/2, ये हमेशा याद रखना 90 - A/2। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये 90 - A/2 कैसे होगा, आपने कहा 90 - A/2 बराबर 76 डिग्री, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A/2 बराबर 14 डिग्री, यानी A/2 बराबर अगर 14 डिग्री है, यहाँ लिख देता हूँ A/2 बराबर 14 डिग्री, तो A बराबर कितना हो जाएगा 28 डिग्री, पता है ना सबको, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलते हैं तो क्या होता है, क्योंकि देखो ये वाला कोण B था तो 180 - B हो जाएगा, ऐसे ये C था तो 180 - C, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, देखो 180 - B का आधा 180 - C का आधा, यानी 90 - B/2 90 - C/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 - B+C/2 होगा, B+C/2 मतलब 180 - A/2, तो 180 - A/2 यानी कि आपका हो जाएगा 90+A/2, अगर ये 90+A/2 हो गया तो इसमें से 180 में से 90+A/2 घटाओगे तो आपको 90 - A/2 मिल जाएगा, ये कैसे आएगा मैंने बता दिया, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे दिए। अब एक प्रॉपर्टी जानना कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया का सम होता है उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, यानी If you have to find ratio of areas of two similar triangles, then you have to find, first you have to find ratio of their sides, ratio of their heights, ratio of their perimeters, ratio of their medians, उनकी ratio निकाल लेंगे और उसका square कर देंगे तो आपको आ जाएगा
यहाँ से एरिया का रेशो। तो अगर एरिया का रेशो 25/169 है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी की कोई भुजा लेते हैं ए बी और इसकी कोई भुजा लेते हैं पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा इनकी एरिया के रेशो के वर्गमूल के बराबर। तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13। अब यहाँ से आपको दिया गया ए बी बराबर 15, ए बी 15 दिया गया, बी सी बराबर 7 दिया गया, ए सी बराबर 8, पी क्यू की लंबाई निकालनी। तो हमने कहा ए बी बटे पी क्यू यानी 15/PQ बराबर 5/13 है, बोलो क्लियर है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो 5 + 15 यहाँ से पी क्यू कितना हो जाएगा 13 × 39। कहा गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई के 2 × 3 cm कम है, भुजा पी आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई से 12 cm अधिक है, त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई का 50% कितने के बराबर। देखो पी क्यू भुजा की लंबाई क्यू आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई के 2 × 3 cm कम है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं क्यू आर की लंबाई जो है पी क्यू की लंबाई के 2 × से यानी 2PQ − 3 है, बोलो क्लियर है। पी आर की लंबाई जो है यानी पी आर बराबर पी क्यू की लंबाई से 12 cm अधिक है यानी पी क्यू +12। अब इसका परिमाप अगर निकालने जाएंगे तो पी क्यू +QR + PR ही होगा, तो यानी हम कह सकते हैं पी क्यू +QR यानी कि 3PQ, यानी आप पेरीमीटर निकालो पी क्यू +QR, क्यू आर की वैल्यू ये वाली लिख देंगे 2PQ − 3 और +RP या PR PQ + 12, ये परिमाप हो जाएगा, ये बराबर दिया गया 57। 12 × 3 = 9, 9 इधर से घटेगा 48, यानी कि 4PQ = 48 यानी PQ = 12। अब PQ = 12 है, आपने कहा सबसे छोटी भुजा PQ ही होगी, क्योंकि PQ से 12 ये ज़्यादा है, 2 × 3 कम ही है, PQ = 12 इसकी लंबाई का 50% यानी कि आधा 6 हो जाएगा। देखो कहा कि त्रिभुज ABC में DBC पे ऐसा बिंदु है, देखो ABC में डी कोई बिंदु यहाँ कहीं पे है, इस प्रकार से है कि जो कोण ADB है, कोण ADB मान लो ये DAC का 2 गुना है, यानी DAC अगर थीटा है तो ये वाला कोण 2θ आपको दिया गया, बोलो क्लियर है। कहा गया BAC बराबर 70° दिया गया, BAC पूरा कोण जो 70 है, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला कोण 70 − θ, क्योंकि उतना थीटा है। B = 46°, बी कोण जो है 46° का, ठीक है। ADC का माप क्या, ADC की माप की बात की गई, ADC के माप की बात करेंगे। देखो ये पूरा 70 है, ये 46 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 116, ये कितना हो जाएगा 64°। सॉरी अब आपको पता है कि जो 2θ है मेरे भाई, 2θ ये कोण त्रिभुज ADC के लिए बाह्य कोण है, यानी एक्सटीरियर एंगल, और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके और इसके सम के बराबर होगा ये, ठीक है। 2θ = θ + 64, यानी थीटा बराबर यहाँ से आ गया 64°, थीटा 64 हो गया, तो ADC की वैल्यू पूछी गई थी, ADC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 64 × 128 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 − 228 = 52° हो जाएगा, बोलो क्लियर, क्योंकि θ = 64, तो ये 2θ = 128, तो ये कितना हो जाएगा 180 − 128। देखो त्रिभुज ABC में A 48, AB और AC प्रोड्यूस किया गया है D और E तक, ये बाइसेक्टर्स ऑफ कोण CBD, देखो बाइसेक्टर मिलते हैं, अगर कोण CBD और BCE के बाइसेक्टर, देखो फिर से समझो, हमने कहा कि AB और AC को अभी हमने देखा था, AB और AC के इसको ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D तक बढ़ाया गया, ये E तक बढ़ाया गया, किसके किसके बाइसेक्टर मेरे भाई, CBD और इसके बाइसेक्टर, ये मिलते हैं आपको, ये वाला कोण कितना दिया गया आपको, ये एग्जाम में दे दिया गया कि 48° है, तो आपने कहा इसका आधा करेंगे 90° में से घटाएंगे, 48 का आधा 24, 90 में से घटेगा 66° आपकी वैल्यू हो गई, ये आपने पढ़ लिया है तब आपको पता है, ठीक है। ये प्रश्न आप खुद ही कर लेना, सिमिलर ट्राइंगल्स है उनके एरिया का रेशियो। अच्छा एक चीज़ जानना कि अगर एरिया का रेशियो पूछा जाए तो एरिया का रेशियो जो होता है ना, area 1/area 2 जो अगर कहा जाए तो इनके साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, इनके पेरीमीटर के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, इनके मीडियन के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, इनके हाइट के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, या जो भी आप पेरीमीटर निकालें, हाइट निकालें, मीडियन निकालें, सबका रेशियो निकालें और उसका वर्ग कर दें तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा, दैट्स इट। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, यानी कि जिसके दो भाई बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो। AB = AC है, हमने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं मान ले रहा हूँ AB = AC है, दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, AB = AC यानी कि दिस वन, इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये नॉर्मल सपोज। AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। अब एक आप क्वालिटी जानना, क्वालिटी या प्रॉपर्टी या जो भी कहो, कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी ट्राइंगल में जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके अनइक्वल साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो जो अनइक्वल साइड का परपेंडिकुलर होता है वही उसकी मीडियन होती है, समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज आइसोसेलेस है यानी कि वो समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो विषम भुजा यानी कि जो बराबर वाली भुजा दो हैं उनको छोड़ के तीसरी भुजा पे अगर हम अपोजिट वर्टिक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो उसकी मीडियन भी हो जाएगी यानी माध्यिका भी हो जाएगी, बोलो क्लियर है। अब ABC का परिमाप 50 cm है, ABC का परिमाप अगर मैं कहूँ कि ये पूरी भुजा BC2A थी, ठीक है,
और ये मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, तो ये भी x हो जाएगी। आपने कहा ये मीडियन हो गई, तो मीडियन होने का मतलब कि ये जो d होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा। d BC का मध्य बिंदु होने का मतलब अगर ये पीरियड 2a है तो ये वाला ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आपसे कहा गया था कि 2a मतलब परिमाप x प्लस 2a यानी 2x प्लस 2a बराबर 50, यानी x प्लस a बराबर कितना दिया गया, x प्लस a बराबर 25 दिया गया, x प्लस a बराबर 25। तो आपसे कहा गया BC की लंबाई का दोगुना बताना है, BC की लंबाई का दोगुना यानी कि 4a बताना है, आपसे 4a बताना है। देखो AD के बराबर 5 सेंटीमीटर है, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD कहाँ है, AD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। AD की लंबाई अगर 5 है यानी कि x ये है ये a है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 25। बोलो क्लियर है। अरे x देखो ये x है, ये परपेंडिकुलर है, ये a है, तो ये AD कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस लगा देंगे यानी ये 25। x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि x माइनस ए इंटू x प्लस ए, x प्लस ए हमें पता है ये 25 बराबर 25 यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस ए बराबर 1, x माइनस ए बराबर 1, x प्लस ए बराबर 25 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13, ए बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर 13 ए बराबर 12। तो हमारा यहाँ से 4a निकालना था यानी कि 4a कितना हो जाएगा 4 बार में 48। हमने क्या किया समझ में आया, हमने कहा ये x है ये a है, हमने कहा AD की लंबाई दी गई, AD कितना हो जाएगा पाइथागोरस लगा देंगे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर यानी ये 25 हो गया। हमने ये कहाँ से निकाला, पेरीमीटर से, हमने सॉल्व कर लिया ए बराबर 12 आया, हमसे 4a पूछा गया था यानी 48 पूछा गया था। क्या कहा गया, त्रिभुज ABC में A बराबर 66 डिग्री, B बराबर 50 डिग्री, बाइसेक्टर B और C के P पे मिलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, बाइसेक्टर जब मिलते हैं अभी हमें पता है इन सेंटर प्राप्त होगा, ये B है ये C है, ठीक है, ओ सॉरी A है B है, हमने लिख दिया A है, अरे भैया ये B है ये C है ये A है मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी और सी के बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं, बी और सी के बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं, बी और सी के बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं। ए बराबर 66 दिया गया, ये 50 दिया गया, ठीक है, तो आपको बी पी सी ये कहाँ पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, ठीक है, आपको ये 50 है ये 66 है, 50 66 कितना हो गया 116, यानी ये वाला पूरा कोण कितना होगा 116, वो है तो 64 ये हो जाएगा क्योंकि 180 हमें पहुंचना है। अब कहा गया बी पी सी प्लस पी सी ए का मान क्या होगा, बी पी सी प्लस पी सी ए, बी पी सी यानी ये वाला कोण प्लस पी सी ए, देखो सिंपल सी बात 64 कहा था 32 यानी पी सी ए की वैल्यू तो 32 हो गई क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं तभी इन सेंटर प्राप्त होता। अब आपको पता है ये 32 है, ये पूरा 50 था, तो ये कितना हो जाएगा 25, निकालने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी निकाल रहे, चलो ये 32 निकाल रहे। आपको पता है पी क्या है, इन सेंटर, तो बी पी सी कितना हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2 यानी 90 प्लस 66 का आधा यानी कि 90 प्लस 33 यानी 123 हो गया बी पी सी और प्लस पी सी ए 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 2 5 3 2 5 155। देखिएगा कहा गया त्रिभुज ए बी सी में ई पॉइंट ए सी पे इस प्रकार से है कि ए बराबर ए डी। देखो ए बी सी, ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब कि समबाहु त्रिभुज है, ई ए सी पे मध्य बिंदु इस प्रकार से, ई कोई बिंदु इस प्रकार से है कि ए बराबर ए डी हो जाए, ए बराबर ए डी, हमसे डी का तो पता ही नहीं है क्या है, डी है बी सी का मध्य बिंदु। पहले आपसे कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ई ए सी पे इस प्रकार से है कि ए बराबर ए डी। अब हमें यही नहीं पता है डी कौन सा है, डी बी सी का मध्य बिंदु यानी कि डी बी सी का अगर मध्य बिंदु है तो अगर हम ए और ए डी की बात करें तो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर दिए गए, ठीक है। तो आपसे कहा कि ई डी सी का माप क्या होगा, यानी आपको कौन सा कोण बताना है, आपको बताना है ई डी सी कोण की माप यानी इस वाले कोण की वैल्यू बताना। देखो सिंपल सी बात समझो, आप हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को दे दिया जाए यानी कि समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए और उससे हम कहें कि सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो वो क्या मिलेगा, यानी ए डी क्या होगा, ए डी इसकी माध्यिका भी होगी, ए डी इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, ए डी इसका एंगल बाई सेक्टर भी होगा, यानी जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें होंगी अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए डी की बात कर रहा हूँ क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु। अब हमें पता चल गया ये एंगल बाई सेक्टर भी है, ये 90 अंश भी है, तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि एंगल बाई सेक्टर है तो पूरा 60 अंश क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल क्लियर, ये 30 डिग्री हो गया मेरे भाई। आपको पता है एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि इसकी पूरी भुजा मतलब कोई भुजा ए थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भुजा ए थी, तो AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3/2। ये आपको पता ही होगा कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो उसकी जो हाइट होती है वो √3/2 ए के बराबर होती है। बोलो क्लियर हो गया, तो ये √3/2 हो गया। अब हमें कौन सा कोण प्राप्त करना है, ये वाला, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कौन सा कोण प्राप्त करना है, अभी हम एक बात करते हैं। देखो ये 90 डिग्री है, बोलो क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि ये √3/2 ए है,
आपको पता है ये वाला भी रूट 3/2 ये है कि नहीं है, या ये भी भूल जाओ, क्यों निकालना ये सब। ठीक है, हमें पता है कि AD बराबर AE है, AD बराबर AE। अब AD बराबर AE हो गया तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ट्रायंगल ADE में देखो, ट्रायंगल ADE में अगर आप देखोगे तो आप कहेंगे कि भैया इसके सामने का कोण ये वाला, इसके सामने का कोण ये वाला, दोनों बराबर होंगे, यानी ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, यानी थीटा प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 30, यानी कि 2 थीटा प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, यानी 2 थीटा बराबर 150, यानी थीटा बराबर 75। बस आपके पास आंसर आ गया, थीटा बराबर 75, यानी ये कोण 75 है। हमने कहा ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये मीडियन भी होगी, यानी ये 90 है। तो अगर ये 90 अकेले है तो ये दोनों मिलके 90, अगर ये पूरा 90, ये 75, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यही आपसे पूछा गया था, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा 15 डिग्री। बोलो क्लियर हो गया। क्या कहा गया, कहा गया त्रिभुज ABC में D और E पॉइंट है, AB और BC पे, D और E AB और BC पे पॉइंट है, D AB और BC पे पॉइंट है। देखो जो कॉमन दिया रहे ना उसको ऊपर लिख दे, अगर AB और BC में क्या कॉमन है, B, तो हम यहाँ पे A लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं C। D पैरेलल टू AC है, D कोई बिंदु भुजा है, मतलब D कुछ मिला रहे हैं, D इस पे कोई बिंदु है, E इस पे कोई बिंदु है, ये पैरेलल, पैरेलल मतलब ये सिमिलरिटी बेसिकली दिया गया। ठीक है, पैरेलल कैसे दिखाते हैं, एरो बना के। BD बराबर 3 दे दिया गया और AD बराबर 4 दे दिया गया, यानी कि ये 3 है, ये पूरा 7 है, 3:7 हो गया। एरिया ऑफ BD बटे क्वाड्रिलेटरल ADEC बराबर P बटे Q है, जहाँ पे P और Q को प्राइम है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ P माइनस Q। अच्छा प्रश्न देखिएगा, अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम कह, मतलब अगर ये पैरेलल है, D पैरेलल AC है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल BDE वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल BAC के। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनका एरिया का रेशियो कितना होगा, यानी अगर मैं कहूँ ट्राइंगल BDE की एरिया बटे ट्राइंगल BAC की एरिया, तो ये बराबर हो जाएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी 3/3 यानी 3/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, यानी 9/49 का मतलब कि अगर पूरे ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 49 है तो इतने का 9। अब अगर इतने का 9 है तो क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाए, अगर पूरा 49 है, इतना 9 है, तो इतना कितना हो जाएगा, देखो इतना कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री नहीं है, 40 हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया 40। यही आपको दिया गया, ट्रायंगल BDE का एरिया यानी 9 बटे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 40, ये बराबर P बटे Q है, और P और Q को प्राइम है, को प्राइम कहने का मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, हमने कहा 9 और 40 का कोई कॉमन फैक्टर, यानी P बराबर 9 मिल गया, Q बराबर 40। तो आपसे कहा गया था व्हाट इज वैल्यू ऑफ P माइनस Q, मॉड, मॉड का मतलब होता है कि इससे अगर कोई घटाएंगे तो इसकी कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो P माइनस Q यानी 9 माइनस 40 इसका कितना हो जाएगा माइनस 31, अब मॉड लगा है यानी मॉड से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि 31 हो गया। आपको मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, ये 3 था, ये इतना भुजा 4 था, इतना भुजा 4 था, तो पूरा भुजा कितना हो जाएगा 7, यानी कि BD बटे AB अगर करें तो 3/3 यानी 3/7 इसका स्क्वायर कर लिया एरिया का रेशियो, यानी 9/49 आ गया। अगर ये छुटकू वाले का 9 है, पूरा ट्राइंगल 49 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 40, तो 9/40 बराबर P बटे Q हल निकाल लिया। सिमिलर ट्राइंगल्स पे ही बेस्ड आपको प्रश्न मिलेंगे, बना देते हैं AC पैरेलल खींच देते हैं, ये बी, ये डी को पैरेलल खींच देते हैं, बोलो और कुछ नहीं करना, एग्जाम में ऐसे आपको करना। सिमिलर हो गया, BD बराबर 4√6 दे दिया गया, BD बराबर 4√6 दे दिया गया, AB बराबर 12√3, पूरा 12√3 दे दिया गया, 12√3। तो कहा गया BD के क्षेत्रफल और चतुर्भुज ACED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले बताओ कि अगर ये पैरेलल हो गया तो ये और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया, अगर सिमिलर हो गया तो इनकी एरिया का रेशियो निकालो, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ट्राइंगल BDE की एरिया बटे बड़ा वाला ट्राइंगल कितना है, ट्राइंगल BAC का एरिया, ये कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का वर्ग, यानी 4√6 का स्क्वायर, यानी कि 16/6 बटे 12√3 का स्क्वायर, यानी 144/3, 16 9 144, 3 2 6 3 3 9, यानी 2/9 हो गया। 2/9 कहने का मतलब कि अगर बड़े वाले ट्राइंगल का पूरे का एरिया 9 है तो ऊपर वाले का 2 है, यानी कि ये 2 हो गया, पूरे वाले का 9 है, तो यानी कि इसका क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा, पूरा 9 इतना 2, तो ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो आपसे कहा गया कि BDE के क्षेत्रफल और ACED के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसका और बटे क्वाड्रिलेटरल, तो कितना हो गया 2/7। बोलो क्लियर है। देखो क्या कहा गया, त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है, CBD और BC कैसे वाले बाईसेक्टर काट रहे हैं, बाह्य बाईसेक्टर, BOC बराबर 76°। आपको पता है कोण BOC कितना होता है, 90 माइनस कोण A/2, कब, जब एक्सटर्नल बाईसेक्टर, 90 माइनस A/2 बराबर 76, यानी कि 90 माइनस A/2 बराबर 76, तो A/2 बराबर 14, A बराबर, अभी सब मुँह जबानी कर सकते हो। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो इनके अगर एरिया का रेशियो दिया गया है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल लेना ये वाला। मैंने क्या बताया था मेरे लाल कि BOC कैसा है, CBD और BC यानी कि एक्सटर्नल बाईसेक्टर का,
अब अगर बी ओ सी पूछा गया तो आप कहेंगे 90 - a/2, बस सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री है। प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री है, क्यू बराबर 90 डिग्री, पी बराबर 8 है, पी आर बराबर 17, अगर ये 17 है या 8 है तो ये 15 हो जाएगा। अब क्या कहा गया, पी का द्विभाजक, पी का द्विभाजक मतलब इस पी का बाइसेक्टर, कहाँ पे क्यू आर को एस पे मिलता है, क्यू आर को एस पे मिलता है, तो एस आर की लंबाई क्या होगी, एस आर की लंबाई, अब देखो इसका बाइसेक्टर है यानी कि एंगल बाइसेक्टर। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि कोई ट्राइंगल है इसका कोई बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कोई ड्रा कर दिया जाए यानी इसको द्विभाजी कर दे, तो अगर इस भुजा और इस भुजा की रेशियो ए रेशियो बी होगी तो ये जो तीसरी भुजा उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए रेशियो बी के ही रेशियो में डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात याद रखना। यानी मैं कहूँ कि अगर ये कोई ट्राइंगल है इसका कोई इंटरनल बाइसेक्टर खींचा जाता है तो अगर इस भुजा और इस भुजा का रेशियो ए रेशियो बी है तो ये इसको ए रेशियो बी के ही रेशियो में डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि किसी कोण का समद्विभाजक उसके जो तीसरी भुजा है उसको उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में ये दोनों भुजाओं का अनुपात था, यानी अगर ये ए था तो और ये बी था तो इनका रेशियो कितना हो, ए रेशियो बी, तो इसके साइड वाले ए के साइड वाले का ए इस साइड वाले का बी इस रेशियो में डिवाइड करें। अब आपको निकालना क्या है, निकालो, आपको किसकी लंबाई निकालनी है मेरे भाई, आपको निकालनी है किसकी लंबाई, आपको निकालनी है एस आर की लंबाई, एस आर की लंबाई क्या होती है मेरे आपका, एस आर की लंबाई क्या होती है बताओ, एस आर की लंबाई क्या होती है, अभी हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पढ़ा, एस आर बराबर एस आर की लंबाई, ये वाली लंबाई निकाली आपने, कहा कि अगर ये 8 है ये 17 है तो इसका रेशियो भी 8:17 हो जाएगा। आपने कहा पूरा, अगर ये 8:17 है 17:17 तो पूरा कितना हो गया 25:25 बराबर कितना दिया गया है 15, 25:15 आपको एस आर की लंबाई पूछी गई, यानी 17:17 का कितना हो जाएगा यहाँ से 15/25 × 17 निकाल लेना, 5 × 15 = 5, 5×25 = 51/5 यानी 10.2 हो जाएगा। कौन सी थ्योरम लगी, एंगल बाइसेक्टर। देखिएगा त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एसी बराबर 15 सेंटीमीटर। कहा गया साइड बीसी को प्रोड्यूस किया गया डी तक, डीएबी सिमिलर है डीसीए के, तो सीडी की लंबाई निकाल ले। देखो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा जूम करके करवाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए। देखो अगर मैं कहूं कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, मैं मान लेता हूं ये एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ठीक है। कहा गया कि बीसी को डी तक बढ़ाया गया, बीसी को डी तक, एक मिनट, बीसी को डी तक बढ़ाया गया, ठीक है, इस प्रकार से कि जो डीएबी है, DAB ये सिमिलर हो गया आपके DCA के, DAB जो है वो सिमिलर हो गया DCA। अब अगर DAB DCA के सिमिलर है तो हम कह सकते हैं, देखो तो आपको दिया क्या क्या गया, ये 7 दिया गया है, AB बराबर 20 दिया गया है, ठीक है, और अपना BC इज इक्वल टू 7 दिया, AC बराबर 15 दिया गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको M मान लेते हैं और इसको N मान लेते हैं, अब बस प्रश्न को सॉल्व करने पे आ जाते हैं। हमें कहा गया कि ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर हैं, DAB और DCA, तो DAB की एक भुजा अगर मैं DA लिखूं तो इसकी भुजा कौन सी लिखनी पड़ेगी, DC, शुरू के दो DC, कन्फ्यूज नो, DAB का लास्ट दो AB लिखूं तो इसका कौन सा लिखना पड़ेगा, लास्ट दो CA, और अगर हम इसका पहला तीसरा लिखें DB तो इसका पहला तीसरा लिखेंगे यानी कि DA हो जाएगा, बोलो क्लियर है। हमें CD की लंबाई निकालनी है, सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, DA/DC, DA कितना है मेरे भाई, DA को हमने N माना है यानी N, बटे DC की वैल्यू कितनी है M, बराबर AB/CA, AB/CA कितना हो जाएगा 20/15 यानी कि 5×20/3 5×15, DB कितना है मेरे भाई, DB यानी 7+M बटे DA कितना है मेरे भाई N, बस सिंपल सी बात है, आपका प्रश्न खट करके सॉल्व हो गया। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 3N/4M है, 3N/4M है, और मैं अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों रेशियो, पहले दोनों रेशियो से ये आ गया, इन दोनों रेशियो से क्या हो जाएगा 4N/21+3M, ठीक है। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं क्या काम करूँ 3 से गुणा कर दूँ तो हम यहाँ से कह सकते हैं 12N/63+9M, कह सकते हैं, अगर 3N/4M है तो 12N कितना हो जाएगा 16M, यानी 16M/63+, यहाँ यूज कर लेते हैं, यहाँ से 12N कितना हो जाएगा 16M के, यहाँ से हम कह सकते हैं 12N/16M, 4 से गुणा कर लिया, ठीक है, तो अगर 12N की जगह 16M/63+9M यानी 7M = 63 यानी M = 7 आ गया, और 9 आ गया, M = 9 आ गया, तो 3N = 36 तो N = कितना आ जाएगा
एन बराबर 12, आपको जो भी निकालने कहा गया वो निकल गया। आपसे क्या कहा गया था, एम की वैल्यू यानी कि सी डी की लंबाई निकालने कही गई थी, जो कि आ कितनी गई 9। यानी पहली बार ये दोनों रेशियो लेंगे, दूसरी बार ये दोनों रेशियो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या कहा गया, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 135 इस तरह से बनाओ कि लगे वैसे, ज्योमेट्री में जितना कहा जाए वैसा ही किया करो। कोण बी बराबर 135, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए बी बराबर 5√2 है, बी सी बराबर 7 है, ए सी की लंबाई बतानी। देखो मेरे भाई, कोण बी बराबर 135 डिग्री, कोण बी बराबर 135 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ यहाँ से आपको दोनों भुजाओं के ए सी की लंबाई, मतलब सॉरी ए सी की लंबाई निकालनी है, ए सी की लंबाई कैसे निकलेगी? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या बताओ क्या? मैंने कहा कि एक कैसे निकलेगी भैया एसी की लंबाई, हमें साइड निकालनी है। हमने कॉस रूल पढ़ा होगा, कॉस रूल क्या कहता है, कॉस रूल क्या कहता है भैया, आपने पढ़ा है कॉस रूल क्या होता है? कॉस रूल कहता है कि अगर देखो, अगर मैं पहले कॉस रूल बता दूं फिर ये बताऊं, ये सब अगर आपने स्टार वाइज देखा होता तो कोई दिक्कत ना होती। अगर मैं कहूं कि ए है, बी है, सी है, ये ए है, एक बी के सामने बी और एक सामने सी, आपको बी और सी की वैल्यू दे दी जाए और ए कोण दे दिया जाए, ठीक है। तो या हाँ ऐसे मान लेते हैं, तो आपका ए का स्क्वायर बराबर होता है, ए का स्क्वायर जो भुजा निकालनी है वो स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। आपको क्या काम करना है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है, तो आप ऐसे करो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और इनटू, जब इसका वाला एंगल दिया गया तो उसका कॉस भी तो यूज करोगे। तो यहां पे अब कई लोग कॉस ए को क्या कह देते हैं, कई लोग कहते हैं कॉस ए बराबर होता है कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, ये फॉर्मूला। तो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, ये कॉस का फॉर्मूला। हमें क्या दिया गया ट्रायंगल में, जो हमें प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में हमें क्या दिया गया, वहां पे लगा देंगे कॉस रूल। हमें दिया गया दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल, तो हम उस प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, देखो ये हमारा ए बी और सी दिया गया, ये वाला कोण 135 डिग्री दे दिया गया, ये 5√2 दे दिया गया, ये 7 दिया गया। तो हम कह सकते हैं अगर ये भुजा बी हो तो हम कह सकते हैं बी का स्क्वायर बराबर 5√2 का स्क्वायर यानी कि 50 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2bc यानी 2×7×5√2 यानी 70√2 इंटू कॉस का 135। कॉस का 135 कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 45 जो कि हो जाएगा माइनस साइन का 45 यानी कि ये माइनस माइनस प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो √2 कट गया, 50, 49, 99 और 70 यानी कि 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना हो गया 13। एक लाइन का प्रश्न था, कॉस रूल आपको पता होना चाहिए। कॉस रूल कब लगता है, जब साइड निकालनी हो, दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया गया हो, दो साइड ये और ये और इनके बीच का एंगल दिया गया हो, तीसरी साइड निकालने कहा जाए, कॉस रूल पटक के मारो, प्रश्न आंसर दे देगा। मैंने क्या बताया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको याद होगी, मैंने आपको क्या बताया, ए बी सी कोई अगर ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे बी का बाइसेक्टर है, तो बी ए सी, ए बी सी मान लो ऐसे, बी का बाइसेक्टर ए सी को डी पे मिलता है, ए बी बराबर 16 दे दिया गया, बी सी बराबर 9.6 दे दिया गया, ए सी बराबर 22.4 दे दिया गया, पूरा 22.4 दे दिया गया। तो क्या पूछा गया, तो कहा गया ए डी की लंबाई बताओ। देखो अगर मैं इसको 4 से या 8 से काट देता हूँ, तो 8 से काटेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 1.2 आएगा, या मैं 0.8 से काटूँ, 0.8 से काटूँगा या 0.5 हटा दो, अब किससे काट दो, 16 से काटोगे 32 से काट दो 32×5=160, 32×3=96, यानी इन दोनों भुजाओं का रेशियो अगर 5:3 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका और इसका रेशियो भी 5:3 होगा, यानी 5:3 8:22.4, यानी 1:1 कितना हो जाएगा, 2.8। अगर 8:22.4 क्योंकि इसका रेशियो 5:3, 8:22.4 यानी 1:2.8, 1:2.8, तो आपसे ए डी की लंबाई यानी 5:1 पूछा गया था, 1:2.8 तो 5:14, सीधे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है। ये प्रश्न आप करोगे, नहीं मैं करवाए दे रहा हूँ। देखो ये B है, ये C है, कुछ कोण दिया गया ए बी सी, ये 87 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बोलो क्लियर है। D और E इस प्रकार से स्थित है कि डी ई सी, ये D है, ये E है, ठीक है, डी ई सी जो कोण है वो आपका दिया गया 93। अगर ये 93 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 - 93 यानी ये 87 हो गया। और अगर ये 87 हो गया, आपको पता है कि ये 87 था, ये 60 था, तो ये कितना हो जाएगा, 87 60 147, यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
37 डिग्री। अब ये 87 है या 33 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिले, कौन सा सिमिलर, देखो अगर देखो इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज ए डी ई को देखो और त्रिभुज ए बी सी को देखो, इसमें ए बराबर है ए के, कोण ए ई बी इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर, यानी सिमिलरिटी कैसे बनी, ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए ए में है, इस कोण के बराबर कौन सा था ये, तो बी, और इस कोण के बराबर कौन सा था सी, यानी कि ये दोनों सिमिलर हो गए। अब यहाँ पे इनकी भुजाओं के करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, आपको डी रेशियो बी सी दिया गया, डी रेशियो बी सी, डी रेशियो बी सी ये कितना दिया गया, 5:9, यानी कि डी बटे बी सी हम कह सकते हैं। आपको निकालना क्या है, ए ई की लंबाई, तो हम पहले दोनों का लेते हैं, यानी ए ई बटे इधर का पहले दोनों ए बी बराबर ई डी बटे बी सी, ई डी बटे बी सी कितना दिया गया 5:9, ए ई बटे ए बी बराबर 5:9, ए ई की वैल्यू निकालनी है, ए बी दिया गया हमें कितना है 14.4, 9 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 1.6, यानी ए ई बराबर कितना हो जाएगा 1.6×5, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपको निकल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हम लोग क्या काम गलती करते हैं कि हम ट्रायंगल ए डी ई को सिमिलर बना देते हैं ए बी सी के, आपको कोणों पे फोकस करना है, ये वाला कोण कौन सा वाला कोण, कौन सा वाला कोण मेरे भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, तो जो एंगल बराबर है उसके, देखो ई वाला ए ई डी जो कोण था, ये वाला जो कोण था वो इसके बराबर था, तो हमने ए बी सी के बराबर लिखा, इस प्रकार से सिमिलरिटी लगाना। देखिएगा क्या कहा गया, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बस ध्यान से देखना है। एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, हमने बढ़ा दिया, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि सीडी बराबर एसी है, सीडी बराबर एसी है। अब अगर सीडी बराबर एसी है तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो, उनके सामने के कोण बराबर, यानी सीडी के सामने का कोण अगर ये थीटा है तो इसके सामने का कोण ये वाला भी थीटा हो जाएगा। आपको पता है ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये थीटा है ये थीटा है, तो इसके योग के बराबर ये वाला हो जाएगा, यानी 2 थीटा हो जाएगा। अब तीसरे रेशियो पे फोकस करो, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी कहने का मतलब कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा, यानी ये वाली ब्लैक वाली ये वाली के बराबर होगी, अगर दोनों बराबर होंगे तो इनके सामने के कोण बराबर, यानी इसके सामने का कोण अगर 2 थीटा है तो इसके सामने का कोण भी 2 थीटा हो जाएगा, यानी ये वाला भी 2 थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर। आप देखो अब आते हैं, पहला रेशियो हो गया, तीसरा, अब ये दूसरा रेशियो, ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी कहने का मतलब कि ये वाली भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है, तो अगर इस पूरे ट्रायंगल में देखें, ठीक है, तो अगर इस पूरे ट्रायंगल में देखें हम ब्लू वाले में, ए डी बराबर बी डी है, तो अगर ए डी के सामने का कोण देखें तो 2 थीटा है, तो ऐसे बी डी के सामने का कोण 2 थीटा होगा, यानी पूरा 2 थीटा होना चाहिए, पूरा कितना होना चाहिए 2 थीटा, क्यों, क्योंकि ए डी के सामने का कोण 2 थीटा है, ए डी के सामने का कोण 2 थीटा है, तो इसके सामने का कोण भी 2 थीटा होना पड़ेगा। अब इतना अकेले थीटा है, आपने देखा ब्लैक वाला थीटा है, तो ये वाला हिस्सा थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा 2 थीटा होना चाहिए, हमने कहा इतना थीटा है तो इतना भी थीटा, यानी पूरा 2 थीटा हो। अब ट्रायंगल ए बी डी में देख लो, 2 थीटा ये वाला हो गया, देखो ये 2 थीटा हो गया, 2 थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा और 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, थीटा बराबर 36 डिग्री, थीटा बराबर 36 डिग्री, तो ए डी बी कोण की वैल्यू पूछी गई थी, जो कि थीटा माना 36 डिग्री, समझ आ गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, किस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल, इसमें दो भुजाएं बराबर थी, कौन कौन सी, ये भुजा इस भुजा, तो अगर इधर थीटा तो इधर भी थीटा। अब देखो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल ए पीले वाले ट्रायंगल का, तो अगर ये थीटा दोनों का योग 2 थीटा हो गया। अब हम तीसरे रेशियो पे आते हैं, ए बी बराबर ए सी है, देखो ए सी बराबर ए बी, तो अगर इसके सामने का कोण 2 थीटा है तो इसके सामने का भी कोण 2 थीटा हो जाए, बस बात करते। अब कहा गया कि ए डी बराबर बी डी है, बड़े वाले ट्रायंगल में आया हम, ए डी बराबर बी डी, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, तो अगर इस भुजा के सामने का कोण देखें ये वाला, तो इस भुजा के सामने के कोण के बराबर 2 थीटा के बराबर होना चाहिए, ये 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा हो जाए, तो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, 4 थीटा और ये थीटा, 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 36। देखो कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई इस प्रकार से बिंदु हैं, लिख लेते हैं, ए बी सी में इस प्रकार से डी और ई है कि डी पैरेलल टू बी सी है। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है, डी पैरेलल बी सी यानी कि ए डी सिमिलर हो गया। अब आपसे क्या कहा गया, ए डी बराबर एक्स है, डी बी बराबर एक्स माइनस टू है, डी बी बराबर एक्स माइनस टू है, ए बराबर एक्स प्लस टू है, ठीक है, और ई सी बराबर एक्स माइनस वन। अब आपको पता है अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ए डी बटे ए बी यानी एक्स बटे पूरा 2x-2, आपने कहा 2x-2 ई एक्स है, ई वाला एक्स माइनस टू है, तो पूरा 2x-2। सिमिलरली इधर कह सकते हैं एक्स प्लस टू बटे में ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन यानी 2x+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 2x² यानी 2x² प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 2x-4,
2x² 2x² कट गया, यानी x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर 4 आ गया तो आपसे कहा गया कि ए बी प्लस ई सी किसके बराबर होंगे, ए बी प्लस ई सी। ए बी कितना है 2x-2, x बराबर 4 तो 2x-2 कितना हो जाएगा 6, और ई सी कितना हो जाएगा, ई सी x-1 है, यानी 4-1 = 3, तो 6 + 3 आपसे पूछा गया था, आपका उत्तर 9 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, करेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलरिटी खत्म। ये प्रश्न देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क भी होगा, कैसे किया। ए बी सी और एक्स वाई जेड क्या है, सिमिलर। इनके क्षेत्रफल का रेशियो 81:25, यानी कि इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 81:25 का वर्गमूल, यानी 9/5। ए बी आपको निकालना है एक्स जेड। अब आप देखो, ए बी अगर इधर लेंगे तो इधर एक्स वाई लेना पड़ेगा, यानी ए बी बटे एक्स वाई बराबर बी सी बटे वाई जेड, लिख लिया बी सी बटे वाई जेड बराबर ए सी बटे एक्स जेड, ए सी बटे एक्स जेड। हमें पता है ए सी, हमें निकालना है एक्स जेड, हमें पता है बी सी, और हमें पता है यहाँ पे ये बराबर 9/5 है, क्योंकि इन हमने कहा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है उनके एरिया के रेशियो के वर्गमूल के बराबर होता है। अब ए सी बटे एक्स जेड यानी 15/XZ बराबर ए बी, ए बी कितना दिया गया 18/XY कितना है नहीं पता बराबर बी सी, बी सी कितना है मेरे भाई, बी सी हमें पता है 10/YZ कितना है हमें नहीं पता, कोई मतलब नहीं, 9/5 के बराबर। अब यहाँ पे जो भी निकालना है सारे आप निकाल सकते हो, हमें एक्स जेड पूछा गया था, हमें एक्स जेड निकाल सकते हैं, 15/XZ बराबर 9/5, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यानी एक्स जेड बराबर 25/3। अगर एक्स वाई निकालना है इन दोनों रेशियो से, वाई जेड निकालना है इन दोनों रेशियो से। बोलो क्लियर हो गया। तो ये थे 40 प्रश्न जो हमने करने थे, बाकी सर्कल का भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, और उसके बाद दोनों वीडियो मर्ज करके भी प्रोवाइड करूँगा। तो डू चेक स्टार बैच, डू चेक आवर अदर प्लेलिस्ट, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जहाँ पे आपको मिलेगा PDF। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ये सीरीज आपको कैसी लग रही कमेंट सेक्शन जरूर बताया करें, और शेयर भी किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें। बाय बाय, लव यू ऑल।